Hi friends, I'm putting out this video on public domain because earlier in the day today I gave an interview on Zee News and there are some people from the Bishnoi community who have been very upset about that because I mentioned in that interview, or I was trying to mention something and the anchor cut me and I said that Bishnoi Samaj ke log bhi shikar karte hain. To maine apni baat puri karne, matlab maas khate hain, maine apni baat puri karne se pehle hi anchor ne meri baat ko kaat di. मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह जैन कम्युनिटी में भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जिस तरह गुजराती कम्युनिटी में भी होते हैं, वैसे बिश्नोई समाज के भी लोग मैं जानती हूँ जो नॉन वेज खाते हैं. और मैं उनको ये कहना चाह रही थी कि एक दो हिरन मरे हैं तो कम से कम उन दो हिरन के बदले में आप सलमान को 5 साल बंद करने के बजाय आप उनसे कम्युनिटी सर्विस कराइए. और ये कोई दान दक्षिणा नहीं है, आप पनिशमेंट के तौर पर उनसे कम्युनिटी सर्विस कराइए. आप उनको ब्लैक बक ब्रीडिंग में उनका काम लीजिए, उनके सेलिब्रिटी स्टेटस को इस्तेमाल कीजिए वर्ण वातावरण को सुधारने के लिए, अवेयरनेस के लिए. लेकिन एंकर ने मुझे मेरी बात कम्प्लीट कर ले ली. तो मैं सबसे पहले खेद प्रकट करती हूँ कि अगर आप लोगों को दुख पहुंचा है, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सबूत के साथ जिन लोगों से मैंने अभी बातचीत की है फोन पर, गलती से मैंने उनको अपना नंबर दे दिया, उन्होंने अपने पूरे ग्रुप में सर्कुलेट कर दिए. कम से कम 300 कॉल मेरे पास आ चुके हैं, उसमें से धमकी के मैसेज आ चुके हैं, उसमें से फेसबुक पे भी उन्होंने मुझे गालियां दी हैं. और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी. आप लोग ये समझ लीजिए, और ये बिश्नोई समाज को कह रही हूँ कि मैं डरी नहीं हूं, क्योंकि मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाया और मेरे पास क्योंकि सबूत नहीं था इसीलिए मैं माफी मांग रही हूँ. लेकिन ये जो धमकियां दे रहे हैं आप, और जो फोन कर रहे हैं बार बार मेरे ऑफिस के नंबर पे फोन कर रहे हैं, मेरे मोबाइल पे कर रहे हैं, वो क्योंकि मैंने ये गलती कर दी और किस एक इंसानियत के तौर पे मैंने एक इंसान को मेरा नंबर उनको मिल गया. और मैं इसको जरूर पुलिस को कंप्लेन करूंगी अगर इनका ये फोन कॉल बंद. देखिए, सुन रहे हैं आप, ये देखिए एक एक मिनट पे फोन आ रहा है, एक एक मिनट पे मेरे घर के लोगों को परेशान, मतलब मेरे ऑफिस के लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी. और जितने भी धमकियां मैंने सब नोट किए हैं, और उन धमकियों के साथ मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगी.